सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। कल अपने देख लिया था इसका, हमने ग्लास एंड इसका बॉडी बॉडी वगैरह सब हमने खोल दिया था। तो अभी क्या करना है, अभी ना इसका पिलर कटना है। ये पिलर काटेंगे ना तो ऊपर का छत निकल जाएगा, छत निकलेगा ना तो हमको और आइडिया आएगा कि जो हमको बनानी है ये लाइकन, उसका शेप कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सब कुछ। अगर अभी कंटिन्यू काम करना है एंड कंटिन्यू हमारे वीडियो आ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना है, डेली वीडियो हमारे वॉच करना है एंड पूरा वीडियो वॉच करना है एंड अच्छी से कमेंट करनी है। तो फटाफट कमेंट करो, ये वाला प्रोजेक्ट ना बहुत ही धमाकेदार बनने वाला है। तो बस आपको मैंने बताया था कि हम सर्कस गए हुए थे इसका जो स्पेसर बनवाने के लिए, इसका व्हील जो बाहर निकलना है इसके लिए स्पेसर बनवाने के लिए गए थे। तो स्पेसर हमारे बन चुके हैं, चाके लेके आते हैं एंड इसमें फिटिंग करते हैं। तो चलो निकलते हैं। तो कैसे अभी क्या हुआ है, जो ये बोल्ट है वो हमको उसके स्टड बनाने हैं। तो बोल्ट के पीछे ना वो स्टड वाले जो आते हैं पॉइंट पॉइंट, वो नहीं आता, जो उसके अंदर फंस सकता है, घूमे नहीं वैसा। तो क्या करना पड़ेगा, बोल्ट के ऊपर वेल्डिंग करके स्टड का जैसा बनाना पड़ेगा। तो 20 नंगे 20 को 20 बनाना पड़ेगा तभी हमारा लंबा बोल्ट आपके पीछे लग पाएगा। तो कैसे यहाँ पे बैठे बैठे ठंड बढ़ रही है एंड यहाँ पे अभी तक काम चालू है। 20 बोल्ट थे उसके स्टड बनाने थे, वेल्डिंग किया, उसको खींचेंगे लेथ मशीन में, उसका स्टड बनाएंगे। 20 रंगे टाइम बहुत लगेगा, एक बनाने में 20 मिनट लगती है। तो समझ लो हम सुबह से आए हुए हैं, अभी देखो टाइम देखो 6 बज चुके हैं, काम बाकी है प्रोजेक्ट का एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए आए, बट दिन गया पूरा। यहाँ पे हमारा बावला गांव भी यहाँ से दूर है, बट एक बार आया तो क्या, एक बार यहाँ से लेके जाते हैं, कल आएंगे वापस तो कल वाला टाइम मिल गया इससे अच्छा। आज लेके जाते हैं सामान एंड काम कंटिन्यू करेंगे रात में, नहीं तो कल सुबह काम करेंगे, जो भी होता है आपको बताएंगे। तो गाइस स्टड बोल्ट ना छोटे आते हैं, ये देखो हमने बड़ा बोल्ट लिया एंड यहाँ पे वेल्डिंग प्लस किया, मतलब यहाँ पे वेल्डिंग भरा एंड उसको फिनिशिंग करके उसके ऊपर स्टड बनाया। देखो ऐसा कुछ हमने किया हुआ है, मतलब ये काम पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं करता, यहाँ पे हमने किया हुआ है। बस अभी काम चल रहा है। तो अभी अपन आईफोन के पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं, उसका लाइटिंग देखो बहुत ही मस्त आ रहा है। तो वैसे अभी अपन जो बना के लेके आए स्पेसर, ये रहे देखो इतना बड़ा है, 2 इंच का है, 2 इंच मतलब 50 mm का है, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, पूरा लेथ में बनाया हुआ है। अभी ये होल ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट फिट हो गए तो ये बाहर निकलेगा नहीं बोल्ट एंड हमने जो स्टड बनवाया है, देखो ये जो स्टड आते हैं वो इधर जो स्टड आते हैं ओरिजिनल, ये स्टड ओरिजिनल स्टड है, ये छोटे आते हैं देखो इसके अंदर तो इतने तक ही आएंगे, देखो यहाँ तक बाहर निकलेगा, ये सही है। तो अभी फिटिंग करेंगे, तो ये वाला आप देखो अभी इतना बाहर निकल रहा है देखो। तो देखो ये स्टॉक है कंपनी का इतना रहता है, अभी हम 2 इंच का स्पेसर रखेंगे एंड बाहर निकलेंगे, कितना बाहर आता है आपको दिखाएंगे। ऐसा 4 व्हील के लिए हम लेके आए हुए हैं। तो देख लो गाइस कुछ इस तरीके से हमको स्टड लगाना पड़ेगा, देखो एकदम टाइट हो जाएगा, मतलब ये घूम नहीं पाएगा, एक बार फिट हो जाएगा तो सही रहेगा, ऐसे इतना बाहर निकलेगा स्टड।
तो कुछ इस तरीके से हमारा स्पेसर आएगा बीच में, देखो ये लग चुका है एंड हमारा डिश भी फिटिंग हो चुका है। अभी लगाएंगे ये वाला व्हील, अभी टेम्परली हमारी 150 का लगाएंगे व्हील, बाद में अपन चेंज कर देंगे, बट इसका साइज है ना 18 इंच, इसलिए यूज़ करेंगे। ये जो था स्पेसर, सेम ऐसा स्पेसर यहाँ पे लगाया, ये व्हील बाहर आ गया, अभी क्या बाहर आ गया, तो हम इसके हिसाब से इसका फ्रेम बनाएंगे। बट छोटा सा एक दिक्कत आ रहा है, ये वाला व्हील ना पीछे चेंजेस में टच कर रहा है, चेंजेस को थोड़ा अंदर कर देंगे दबा के, नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। बट गाड़ी हमारी ब्रॉड दिखनी चाहिए, जैसा ये लाइकन में डिज़ाइन है वैसा डिज़ाइन बनना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करेंगे ही। जैसा पूरा गाड़ी में जुगाड़ करना है तो स्टार्ट हो चुका है जुगाड़ करना, सेम टू सेम बनाना है, ये गाड़ी भागेगी यार ऐसे बनानी, तो इसके लिए आज पूरा दिन हमारा गया ये स्पेसर बनवाने के लिए एंड ये सब बोल्ट बनवाने के लिए टाइम बहुत गया। बट कोई नहीं, काम हो गया, अभी क्या फिर से दिन बिगड़ेगा नहीं, एक दिन बिगाड़ लिया इसके अंदर तो अभी सही है। अभी देखो एक व्हील हमने लगाया, इतना बाहर आएगा। अभी मैंने पीछे का व्हील खोल के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये सब कुछ हमने खोल के रखा हुआ है। अभी क्या है, कल करेंगे, अभी टाइम देखो 11 बज चुके हैं, तो कल उसका भी काम करेंगे, मतलब चारों व्हील का लगा देंगे, हो सके तो गाड़ी बाहर निकल के राउंड भी लगाएंगे ये मैग व्हील के साथ, देखते हैं टच हो रहा है उसको, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो गाइस आज के इतना ही, मिलते हैं।